आपको जो पहला सॉन्ग था उसका प्रेडिक्शन राखी के लिए यू नो एकदम सही निकला, फिर उसके बाद में अभी ये जो दूसरा सॉन्ग बनाया वो भी सही निकला झूठा, अब तीसरा सॉन्ग भैया इधर इनको आते थे मुझे ये इतने मेरे अच्छे फ्रेंड ने मुझे इनको ब्लॉक करवा दिया। तीसरा सॉन्ग अच्छा होगा, खुशी वाला सॉन्ग प्यार वाला है। हाँ तीसरा एकदम एकदम बादलों वाला रोमांस क्या है, रोमांस क्या है, रोमांटिक क्या होता है, मैं भूल गई हूँ सब कुछ। हैप्पीनेस वाला नहीं, सारे तोते उड़ गए जिंदगी के एकदम, रोमांस क्या होता मालूम ही नहीं है। आपको रोमांटिक सॉन्ग बनाना पड़ेगा राखी के लिए। राखी बहुत ब्यूटीफुल है और इनका दिल बहुत खूबसूरत है, ये जितना मतलब इनका माशाल्लाह लुक प्यारा है उससे ज्यादा इनका दिल अच्छा है, ये इतना हेल्प करती है लोगों को, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, नहीं तो इंसान अपने अपने में पड़ा रहता है। तो ये चीज शायद ऊपर वाले ने इतना बड़ा कुछ हादसा इनके साथ से टल गया है, और इनकी मम्मी की ब्लेस्ड, इनकी मम्मी की ब्लेसिंग है इनके साथ। तो देखो चेहरा देखो कितना चमक रहा है इनका, कोई कह सकता है इनका ब्रेकअप हुआ है, ऐसा लग रहा है बॉयफ्रेंड मिल गया इनको कोई। अरे नहीं यही ब्रेकिंग चला देंगे भैया, अरे आप लोग मुझे किसी नहीं चैनल के ऊपर तो किसी के ऊपर थंबनेल था उसके ऊपर लिखा होता राखी का नया बॉयफ्रेंड। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक बात वो मुझे कम से कम मेरे 40-50 फ्रेंड्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा, व्हाट्सएप पे। एक बात बताना चाहता हूँ, राखी इतनी अच्छी है कि बहुत लोग अभी लाइन में खड़े हैं, और मुझे पता है बहुत सारे मैसेज भी आपको आ रहे होंगे, लेकिन अभी ठीक है थोड़ा टाइम, बहुत ज्यादा अच्छे से थोड़ा सोचो फिर, क्योंकि लाइफ है यार ऐसी होता है, लड़की बेवा नहीं होती, डाइवोर्स नहीं होते, सब पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं हूँ सोचो, लेकिन राखी आपके केस में तो दोनों ही नहीं हुआ है, ना डाइवोर्स हुआ है और ना यू नो यार नहीं, वो चल जाएगा बेवा हो जाओ तो। अबे सर को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं भाई, मिस यू, लव यू माय ब्रदर, माय बिग ब्रदर अबे वंसल। Oh God. और पहली बार जब राखी जी को मिली थी ना, मैं तो एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने मुझे इनवाइट किया था गोरेगांव में, तो मैं सोची वाओ कि मैंने ये एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, बिकॉज़ मैं आई एम एनवायरनमेंटलिस्ट, तो मैंने इसको इतनी तब से विदा हो गया, नहीं बहुत एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं, उन्होंने कहा चलो चलते हैं, तब से मैं विदा हुआ यही कहना चाह रहा था कि राखी के साथ में हमारी और लाखों लोगों की दुआएं हमेशा साथ में। अच्छा, राखी कभी भी कमजोर नहीं पड़ने वाली है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जिस तरह से एक आता है ना कि बहुत बहुत बड़ी किताब होती है जिसमें एक पन्ना जैसे ही आप पलटते हो ना एक पेज, उसमें हिस्ट्री की किसी भी किताब में तो 200 साल जो है वो झट से पलट जाते हैं। राखी वो छोटे छोटे किसी को याद, सलमान मेरा राखी नाम क्या पड़ गया, अच्छा शोहर ही नहीं मिल रहा हूँ। देखो राखी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपने जो बात बोली है ना अच्छा शोहर नहीं मिल रहा है जी, देखो जो अच्छा इंसान होता है ना उसकी आजमाइश ज्यादा होती है, बेशक बेशक, ऊपर वाला आपको आजमा रहा है और आप अपनी आजमाइश पर खड़े हैं जी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आपको लड़का इतना अच्छा मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे कि यार तो बहुत ही अच्छा है। हाँ अभी मैं पूरा नमाज पढ़ूंगी और पूरा प्रेयर करूंगी ना, तो खुदा तो सुनता है ना ईमानदारी से, एकदम मैं करूंगी डेफिनेटली, खुदा मेहरबान हो जाएगा और गधा पहलवान हो जाएगा। समझ गया मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू। ओ माय गॉड क्या बात है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे है ना, सब लोग अच्छे हैं, सबको ऊपर वाले ने बनाया तो ठीक है। आज मन कर रहा है, काफी टाइम के बाद हंस रहा हूँ, अभी दो दिन पहले लंदन में शो था तो वहाँ पे भी मुझे लगा तो आप दुखी होंगे, लेकिन आज कुछ ज्यादा हंस रहे हो, सो हैप्पी। सबसे बड़ी खुशी की बात राखी है कि आपके चेहरे पे जो एक चमक है, एक रौनक है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार आपके साथ जो हुआ है ना बहुत ऊपर वाला किसी के साथ ना करे, यस, तो उसके बाद आप खड़े हो और मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप सही हालत काम में कर रही हो, आपके चेहरे पे जो एक नूर है ऊपर वाली की तरफ से, तो ये बहुत बड़ा कर रहा है, बहुत सहाय मैंने, बहुत सहाय, अभी तो मैं काम कर रही हूँ। चार बार कह चुके हैं, चार बार कह चुके प्रमोशन के दौरान मेरी नजर ना लग जाए, अब माशाल्लाह ये एक शायरी करूंगा मैं, शेर मेरा।